दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट लेकर के हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में भारत का हर नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकता है। भारत सरकार की तरफ से सभी भारत के नागरिकों के लिए पक्का मकान भारत सरकार निःशुल्क दे रही है, जिसमें आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर भारत सरकार की तरफ से आपको पैसा मिलता है। यदि फ्रेंड्स आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तब भी फ्रेंड्स आप भारत सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, या फ्रेंड्स आप किसी नगर निगम के अंदर रहते हैं या फ्रेंड्स आप किसी नगर पंचायत के अंदर रहते हैं तब भी फ्रेंड्स आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों आप यदि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो भारत सरकार की तरफ से आपको 2,50,000 रुपए दिया जाता है, और आप यदि किसी नगर पंचायत के अंदर रहते हैं तो फ्रेंड्स आपको 3,50,000 रुपए भारत सरकार की तरफ से आपको पक्का मकान बनवाने के लिए दिया जाता है। यदि फ्रेंड्स आप किसी नगर निगम या फिर आप नगर पालिका के अंदर रहते हैं तो फ्रेंड्स आपको भारत सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के तहत में आपको 4 लाख रुपए पक्का मकान दिया जाता है, जिसमें आपको 3 बार में आपको पैसा आता है और आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको यहां पर अपना मकान बनवा सकते हैं और आप भारत सरकार की तरफ से इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आप इस योजना के तहत में बेनिफिट ले सकते हैं, आप भारत सरकार की तरफ से किस प्रकार आपने इसका आवेदन नहीं किया है तो आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आपने आवेदन कर रखा है तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी दोस्तों आज मैं विस्तार के साथ में आप सभी के बीच में शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। मैं रात के 11 बजे दोस्तों इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, किसके लिए? आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आप यदि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलता है, आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक इसका आवेदन नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप इसका आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन फ्रेंड्स आपको कैसे करना होगा, इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और आप यहां पर कौन सी कैटेगरी के पर्सन इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होता है वो कैटेगरी होती है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों आप यहां पर किसी भी जाति वर्ग के अंदर हैं, आपकी कोई भी जाति है, हर जाति का पर्सन इस योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति डाउन है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वही व्यक्ति इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर भारत का हर नागरिक ले सकता है, लेकिन इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि कोई सरकारी एम्प्लॉय है, आपकी कोई अच्छी इनकम है, अच्छी आपकी आमदनी महीने की आपकी अच्छी इनकम है तो दोस्तों आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपके घर परिवार के अंदर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर अवेलेबल है तब भी दोस्तों आप इस योजना का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने उन पर्सनों के लिए इस योजना को जारी किया है जो कि बहुत ज्यादा गरीब कैटेगरी के लोग हैं, जिनके पास में अपना पैसा नहीं है मकान बनवाने के लिए, तो भारत सरकार की तरफ से फ्री में पक्का मकान पीएम आवास योजना के तहत में मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो मुख्य सबसे इंपोर्टेंट होते हैं दोस्तों यहाँ पर वो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होता है वो होता है दोस्तों आपका मूल निवास पत्र लगता है, आवेदक का आधार कार्ड आप यहाँ पर लगता है, राशन कार्ड की फोटो कॉपी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, पैन कार्ड फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना लगा सकते हैं, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आपके पास में मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, और आपका इनकम सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको यहाँ पर देना होता है, और आपका जाति आप यदि आप यहाँ पर SC या OBC या दोस्तों आपको SC या OBC के अंदर है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा, इनकम आयु प्रमाण पत्र देना होगा, आपकी इनकम कितनी है वो आपको देना होगा, आपकी आयु कितनी है उसका लिए आप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड देना होगा, और पासवर्ड साइज का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक फोटो देना होता है इस योजना को लेने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस योजना के तहत में आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो दोस्तों इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप किसी नगर पंचायत के अंदर रहते हैं तो आप नगर पंचायत जाकर के इसका ऑफलाइन फॉर्म वहां पर जमा कर दें, वहां से दोस्तों आप यदि ऑनलाइन कराएंगे उनकी पर्सनल अपनी वेबसाइट के थ्रू तो दोस्तों आपका ये मकान बहुत जल्दी आपका अप्रूव हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप किसी शहर के अंदर रहते हैं तो आप नगर निगम में जाकर के इसके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो फ्रेंड्स आप अपने प्रधान की मदद से आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर सबसे पहले गूगल पर टाइप करना होता है।
तो दोस्तों गूगल पर यहाँ पर आपको करना होगा पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना डालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। पहले यहाँ पर दोस्तों आपकी वेबसाइट ओपन होती है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। सर्च बेनिफिट पे दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको सो नाउ पे क्लिक कर देना है। आपका यदि मकान आया होगा, यदि फ्रेंड्स आपका अप्रूवल हो चुका होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपकी लिस्ट दिखा देगा। अगर आपका यहाँ पर अभी तक अप्रूवल नहीं होगा तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फंड आपका यहाँ पर दिखा देगा। मैं यहाँ पर डाल नहीं सकता हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने कोई भी अपना फॉर्म आवेदन नहीं किया है, तो इसलिए दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये नो रिकॉर्ड फंड दिखाएगा, इसलिए दोस्तों मेरा डालना भी कोई उचित नहीं है। आपने इसका ऑनलाइन किया है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर रहता है ट्रैक एप्लीकेशन रिटर्न, यानी कि आपके पास में एप्लीकेशन आप यहाँ पर चेक भी करना चाहते हैं तो उसकी मदद से भी दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप अपने नाम के माध्यम से भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के माध्यम से आप इसको चेक कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी स्टेट डालनी है, जो भी आपकी स्टेट है, जैसे मेरी यूपी है तो मैंने यहाँ पर दोस्तों यूपी डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। और आपको यहाँ पर अपने जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर वो डालना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना मडराग डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आपका सबमिट करेंगे, यदि फ्रेंड्स आपका अप्रूवल हो चुका होगा तो दोस्तों आपका यहाँ पर दिखा देगा कि आपका अप्रूवल हो चुका है और आपका प्रोसेस कहाँ तक हो चुका है, आपका पैसा आया है नहीं आया। तो इसी प्रकार दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हैं। आपने अभी तक इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो जो दोस्तों मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस की मदद से आप यदि आवेदन करते हैं तो आपका 90 दिन के अंतर्गत में आपका मकान आ जाएगा। दोस्तों इलेक्शन से पहले आप इस काम को करा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है प्रधानमंत्री दोबारा से बीजेपी सरकार नहीं आए तो दोस्तों आपको हो सकता है इस योजना का बेनिफिट ना मिल पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेहतर जानकारी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।